अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे अल्लाह ताला के फजल करम से। हम भी ठीक है इस नेक दुआ के साथ। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे बर्फ़ी, जो हमारे बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा पसंद आती है, तो इसलिए हमने सोचा आज हम घर में ही बर्फ़ी बनाएंगे, क्योंकि ईद भी आने वाली है तो इस खुशी के मौके पर हम बर्फ़ी बनाएंगे। तो आप भी ट्राई कीजिए, जो चैनल पे नया है सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए हमने लिया है ये बटर, हाफ ही लिया है हमने, क्योंकि हमें कम ही बनानी है बर्फ़ी, इसलिए हमने ये हाफ ही लिया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से हमने मैदा लिया है और ड्राई फ्रूट्स को कूट लिया है, काजू है, आलमंड है और सूजी ली है हाफ कप। आप देखते रहिए कैसे हम बर्फ़ी बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी। इसको हम सेव भी कर सकते हैं 1 मंथ तक फ्रिज में। और हमने यहाँ पे मिल्क लिया है, ये हमने मार्केट से लिया है, इसमें शुगर भी ऐड होता है तो इसलिए हमने यही लिया है। हम घर का भी यूज़ कर सकते हैं, फिर उसमें शुगर ऐड करना होता है, लेकिन हमने यही वाला लिया है। हमने गैस की फ्लेम को मीडियम फ्लेम पे रखा है और अब हम सूजी जो है चम्मच हिलाते रहेंगे जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए, आप देख सकते हैं। ज़्यादा इसको जलाना नहीं है, फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा बर्फ़ी का। ये देखिए थोड़ा बहुत लाइट ब्राउन हो चुकी है, अब हमने इसको बाहर निकाला है। अब हम इसमें ये बटर ऐड करेंगे कढ़ाई में। इसको मेल्ट करेंगे पहले, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे, इसमें भी चम्मच हिलाना है ताकि ये जल ना जाए, इसको भी ब्राउन करना है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है बटर के साथ, आप देख सकते हैं। और आप सबको एडवांस में मेरी तरफ से ईद मुबारक। देख सकते हैं आप, थोड़ा मुझे बटर कम लग रहा है इसलिए मैं और ऐड करूंगी थोड़ा बहुत। इसको भी मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि ये जल न जाए। ये देखिए इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब हम इसमें सूजी ऐड करेंगे, इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब हमने ये ड्राई फ्रूट जो है वो भी ऐड किया है इसमें, अब हमने वो मिल्क ऐड किया है, इसमें शुगर भी होता है तो हमें चीनी ऐड नहीं करनी पड़ेगी ऐसे, आप घर का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये वो मार्केट वाला है। बहुत ही टेस्टी बनती है इससे बर्फ़ी। जो चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे
ताकि इसका पेस्ट बन के तैयार हो जाए और हम इसकी बर्फ़ी के पीसेस बनाएं। आप देख सकते हैं ये रेडी होने वाला है। छोटे बच्चों को ज़्यादा पसंद आती है बर्फ़ी। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे किसी बाउल में और फिर ये निकालेंगे उसी में। इसको अच्छे तरीके से सेट करेंगे इसमें। इसको आधे घंटे के लिए हम फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन अगर बहुत सर्दी है तो ऐसे भी रख सकते हैं। अब हम इसके पीसेस बनाएंगे और ड्राई फ्रूट्स रखेंगे ऊपर से। बहुत ही अच्छी बर्फ़ी बन के तैयार हो चुकी है, आप भी ट्राई कीजिए इस स्पेशल ईद के मौके पे। आप भी ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी है, इजी भी है। 10-15 मिनट में ये रेडी हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।